शासक हर्यक वंश के शासक एवं मगध के द्वितीय महत्वपूर्ण शासक अजातशत्रु के बारे में विस्तृत रूप से परिचर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। वस्तुतः इस वीडियो लेक्चर के तहत हम निम्नलिखित बिंदुओं के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे, फिर अजातशत्रु के बारे में प्रारंभिक जानकारी का हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि मगध साम्राज्य का विस्तार करते हुए किस तरीके से कौशल महाजनपद से अजातशत्रु का संघर्ष होता है। कौशल महाजनपद के बाद गणराज्यों की विजय के लिए अजातशत्रु को बज्जी गणराज्य से संघर्ष करना पड़ता है और एक लंबा संघर्ष चलता है, जिसमें साम, दाम, दंड, भेद चारों प्रकार की नीतियों का अजातशत्रु प्रयोग करता है। इसी संदर्भ में बार बार नाम आता है रथ मूलक, मुसल एवं महाशिला कंटक जैसे शब्दों का। हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि ये दोनों शब्द क्या है और किस तरीके से संबंध रहे इनके बज्जी गणराज्य के विजय में। फिर हम ये देखेंगे कि अवंती महाजनपद से कैसे संबंध रहे। फिर हम अंत में ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि बौद्ध व जैन धर्म जैसे विभिन्न प्रकार के धर्मों का जब उदय हो रहा था, तब अजातशत्रु की धर्म के प्रति कैसी निष्ठा थी और उसकी धर्म के प्रति कैसी नीति थी। आइए हम सिलसिलेवार तरीके से निम्नलिखित बिंदुओं को अजातशत्रु के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हुए अजातशत्रु के बारे में हमारे ज्ञान की अभिवृद्धि करते हैं। अजातशत्रु बिम्बिसार के बाद उसका पुत्र कुणिक, अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणिक भी था, मगध के सिंहासन पर बैठता है। वह अपने पिता की भांति साम्राज्यवादी अर्थात साम्राज्य का विस्तार करने वाला शासक था। सिंहासन आरूढ़ होने पर उसे विभिन्न प्रकार की समस्या व कठिनाइयां पाई, किंतु अपनी शक्ति और बुद्धिमानी से उसने न केवल सभी समस्याओं और कठिनाइयों का सम्मानजनक तरीके से समाधान किया, अपितु उन पर विजय प्राप्त करके अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य का और अधिक विस्तार करके मगध के क्षेत्र की सीमाओं या मगध के भूगोल को और अधिक विस्तृत किया, चौड़ा किया एवं विस्तार दिया। इसी संदर्भ में उसका कौशल महाजनपद से संघर्ष होता है। अजातशत्रु के शासन पर बैठते ही मगध और कौशल के बीच संघर्ष छिड़ गया। इस संघर्ष के बारे में बौद्ध ग्रंथों से हमें पता चलता है कि बिम्बिसार की मृत्यु के बाद उसके दुख से उसकी पत्नी कौशला देवी की मृत्यु भी हो गई थी। कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने अजातशत्रु के खिलाफ एक तरह का संघर्ष वे युद्ध जैसा छेड़ दिया और काशी पर पुनः अधिकार कर लिया। संयुक्त निकाह में इस दीर्घकालीन संघर्ष का विस्तृत उल्लेख मिलता है। पहले प्रसन्नजीत पराजित हुआ और उसे भागकर श्रावस्ती में शरण लेनी पड़ी, किंतु दूसरे युद्ध में अजातशत्रु पराजित हो गया और अजातशत्रु को यहाँ पर बंदी भी बनाए जाने की हमें सूचना मिलती है। किंतु बाद में प्रसन्नजीत व अजातशत्रु दोनों में ही संधि हो गई, जिससे अजातशत्रु को न केवल काशी का प्रदेश वापस मिल गया बल्कि प्रसन्नजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह भी अजातशत्रु के साथ कर दिया। इसी क्रम में साम्राज्य विस्तार के क्रम में कौशल से उसका एक संघर्ष निर्णायक स्थिति में पहुंच चुका था। अब उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बज्जी गणराज्य था और उससे उसका लंबा संघर्ष बन रहा था। मगध के आसपास गणराज्य साम्राज्यवादी अजातशत्रु की आंख की किरकिरी की तरह चुभ रहे थे। वह इनकी स्वतंत्रता को लगभग मिटाने के लिए कृत संकल्प था, क्योंकि इनके रहते हुए मगध का वास्तविक विस्तार संभव ही नहीं था। कौशल से निपटने के बाद अजातशत्रु ने बज्जी संघ की ओर अपने विस्तारवादी दृष्टि को डाला। वैशाली बज्जी संघ का प्रमुख था, जहां लिच्छवियों का शासन था। बज्जी संघ से मनमुटाव तो बिम्बिसार के समय से ही चल रहा था, क्योंकि दोनों ही गंगा नदी और उससे होने वाले व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। किंतु अजातशत्रु के समय यह मनमुटाव निरंतर एक संघर्ष में बदल गया। सुमंगल विलासिनी के अनुसार मगध बज्जी संघर्ष का कारण गंगा के किनारे स्थित रत्नों की खान थी, जिस पर बज्जियों ने इस समझौते का उल्लंघन करके अधिकार कर लिया था। जैन ग्रंथों के अनुसार इस संघर्ष का कारण था बिम्बिसार के द्वारा अपनी पत्नी लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना से उत्पन्न दो पुत्र हल्ल व बेहल्ल को दिया गया सहयाग नाग हाथी और 18 लड़ियों वाले रत्नों का एक हार था। जब राजा बनने के बाद अजातशत्रु ने इस हाथी और हार को वापस मांगा,
तो हल और बेहल ने इसे देने से इनकार कर दिया और अपने नाना चेटक के यहाँ भाग गए। फलत अजात शत्रुओं ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया, किंतु ये गौण कारण प्रतीत होता है। वस्तुतः संघर्ष का वास्तविक कारण तो यह था कि गंगा नदी से होने वाले पूर्वी भारत के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना था। हाथी और हार तो मात्र बहाना थे। अजात शत्रु लिच्छवियों की शक्ति और प्रतिष्ठा से परिचित था। उसे अच्छी तरह से पता था कि लिच्छवियों से युद्ध में पराजित करना कोई सरल कार्य नहीं है, अपितु इसके लिए बहुत अलग अलग तरह की नीतियों का पालन करना पड़ेगा। जैन ग्रंथ निरायवली सूत्र के अनुसार उस समय चेटक लिच्छवी गणराज्य का प्रधान था। उसने 9 लिच्छवियों 9 मल्लों काशी कौशल के 18 गणराज्यों को संगठित करके एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। भगवती सूत्र में अजात शत्रु को इन सभी का विजेता कहा गया। आचार्य हेमचंद राय चौधरी का मानना है कि कौशल बज्जी महासंघ के साथ संघर्ष अलग अलग घटनाएं नहीं थी, अपितु वे मगध साम्राज्य की प्रभुसत्ता के विरुद्ध लड़े जाने वाले समान युद्ध का ही अंग थी। अजात शत्रु को पता था कि उसे बज्जियों के संघर्ष करना पड़ेगा, इसीलिए वह उसे इस संघर्ष की तैयारी में पहले से ही लग गया था। उसने बज्जियों के संभावित आक्रमण से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए पाटलिपुत्र में एक सुदृढ़ दुर्ग का भी निर्माण कर लिया, किले का निर्माण कर लिया। भगवान बुद्ध से इस संबंध में विचार विमर्श भी अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। बुद्ध ने इस संदर्भ में अजात शत्रु से कहा कि जब तक बज्जी संघ में एकता बनी रहेगी उन्हें जीत पाना संभव ही नहीं है। अजात शत्रु ने अपने कूटनीतिज्ञ या राजनीतिक विशेषज्ञ महामंत्री वत्सकार या वर्षकार को बज्जी संघ में फूट डलवाकर बज्जी सरदारों को आपस में लड़ा दिया और उपयुक्त अवसर को देखकर एक बड़ी सेना के साथ बज्जी गणराज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। जैन ग्रंथों से भी पता चलता है कि इस युद्ध में अजात शत्रु ने पहली बार रथमूसल और महाशिला कंटक जैसे दो गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। रथमूलक आधुनिक टैंकों जैसा कोई अस्त्र था। महाशिला कंटक भारी पत्थरों को फेंकने वाला एक प्रक्षेपात्र था। भीषण युद्ध के बाद अजात शत्रु बज्जी संघ को विजित करने में सफल हो सका और लिच्छवी राज्य को मगध राज्य का अंग बना लिया। बज्जी संघ के बाद अजात शत्रु ने आक्रमण कर मल्ल संघ को भी पराजित किया और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े भूभाग पर उसका अधिकार हो गया, जिससे मगध राज्य की सीमाएं बहुत अधिक विस्तृत हो गई थी। वस्तुतः अजात शत्रु ने फूट डालो वे राज करो की नीति का बहुत गहराई से प्रयोग किया और उसने गणराज्यों की शक्तियों की एकता को भिन्न 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 करके या छिन्न भिन्न करके अपनी नीति को उसने भारी तरीके से लागू करके युद्ध के सहारे से उसने अंततः बज्जी गणराज्य को पराजित कर दिया। अब हम अंत में यह भी देखते हैं कि अवंती महाजनपद से कैसे संबंध रहे। अवंती का राज्य अभी भी मगध राज्य का प्रतिद्वंदी बना हुआ था। मज्जिम निकाह से पता चलता है कि अवंती नरेश चंड प्रदत्त भय से भी अजात शत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह का दुर्गीकरण या किला बनवा लिया था, किंतु अजात शत्रु और मगध के बीच किसी प्रत्यक्ष संघर्ष का हमें उल्लेख नहीं मिलता है। संभवतः दोनों एक दूसरे की शक्ति का अनुमान था। भास की स्वप्न वासवदत्ता के अनुसार अजात शत्रु की कन्या का विवाह वत्सराज उदयन के साथ हुआ और इस वैवाहिक संबंध के द्वारा अजात शत्रु ने वत्स को अपना मित्र बना लिया और अब उदयन मगध के विरुद्ध प्रद्योत की सहायता नहीं कर सकता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उदयन प्रद्योत में मगध के बीच कूटनीतिक सलाहकार बनकर रह गया था। अब हम अंत में यह देखते हैं कि हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु की धर्म एवं धार्मिक नीति क्या थी। अजात शत्रु एक उदार व धार्मिक सम्राट था। संभवतः वह प्रारंभ में जैन धर्म को मानने वाला शासक रहा। अजात शत्रु के शासनकाल में गौतम बुद्ध व भगवान महावीर को महानिर्माण महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बरहुत के बौद्ध स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजात शत्रु बुद्ध की वंदन करता हुआ दिखाया गया है, जिससे लगता है कि कालांतर में या जीवन के अंत में वह बुद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। उसने अपने शासनकाल में 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उसके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया। साथ ही 483 ईसा पूर्व में राजगृह में सप्तवर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संहिति का आयोजन भी करवाया। इस संहिति में बौद्ध भिक्षुओं ने बुद्ध वचनों को वे सतुपिटक विनय पिटक के रूप में संकलित किया। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो लेक्चर के तहत हमने अजात शत्रु के विभिन्न विषयों के बारे में परिचर्चा की। साथ में हम यह भी देखते हैं कि अजात शत्रु ने 32 वर्षों तक कुल शासन किया और 492 से 460
ईसा पूर्व के मध्य शासन किया और अंत में भी अपने पुत्र उदयन के द्वारा मार डाला गया। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर के तहत हमने अजातशत्रु के बारे में प्रारंभिक जानकारी ली, फिर अजातशत्रु ने किस तरीके से कौशल महाजनपद के साथ अपनी सीमाओं का विस्तार किया, साथ में हमने ये भी देखा कि फूट डालो राज करो की नीति के तहत उसने किस तरीके से वज्जी गणराज्य की शक्ति कुचला, साथ ही उसने रथ मुसल व महाशिला कंटक जैसे विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया। हमने ये भी देखा कि अवंती के साथ किस प्रकार के संबंध रहे और अंत में हमने ये देखा कि धर्म व धार्मिक नीति किस तरीके से अजातशत्रु की थी। थैंक यू।